इसमें धनिया डालना बाकी है। अब बनेगी लस्सी, ठंडा आलू के साथ वाली चटनी है। बिल्कुल कॉम्पिटिशन चलता था हमारा कि कौन सबसे ज्यादा इकट्ठा करके लाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिन के अभी 11:30 बजे हैं और मैं अभी उठ रही हूँ। उठने लिए व्लॉग एडिट करी थी तो मेरे घर वालों को लग रहा है मैं सोई थी। अब मुझे डांट मिल रही है, अब मुझे खाना बनाना है। और आज हमारे गांव में होली आने वाली है तो अभी तैयारी चल रही है। नीचे आलू के गुटके बन रहे हैं, ठीक है। अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी, पहले मुझे भात बनाना है वरना मेरी आज शामत आ जाएगी। और सबको ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मैं सोई थी इसीलिए। मैं दिन भर अंदर थी ना, बाहर नहीं गई इस वजह से। कुछ भी मतलब, इतने देर तक कौन सोते हैं। तो गाइस ये सुंदरी देखो, देखिए फोकस कीजिए। और ये सिम्मी बैठी हुई, आराम कर रही है। अभी भोले से मिलाते भोला, ये है भोला माता, सॉरी हाँ। ये है श्यामू, इसके पास नहीं लेके जाना है, ये खाते हैं। इसका नाम पता नहीं झिपड़ू है, बिपड़ू पता नहीं, ये झुमरू। इसका नाम पता नहीं क्या, इसका नाम पड़ी रख देते हैं, ठीक है। कमेंट में बताना इसका नाम क्या रखें। ये हैप्पी होली करके आई हम वहाँ से। ये पिठा, ये पता है आपको गाइस, इसके लिए आँख में ना, ये यहाँ पर ना उस बेवकूफ श्यामू ने इसकी आँख में मारी थी। ये टेस्टी। गाइस आज हम लस्सी भी बनाएंगे ठंडाई, जो होली आ रहा थे उनके लिए। तो अभी मैं मलाई निकाल रही हूँ, दही जमाई थी मम्मी ने। ऊपर की मलाई टेस्टी होती है लेकिन मम्मी खाने नहीं देती क्योंकि इसी का घी बनता है ना। पूजा के लिए अबीर फूल पैसे रख दिए हैं और एक रिबन भी रख दिया है। ये जब वो आएगी ना, चीर आता है तो उसमें बांधते हैं। तो गाइस अभी सुनने में आ रहा है गांव में होली पहुंच चुकी है और कुछ ही घंटों में यहाँ हमारे यहाँ पे भी पहुंच जाएगी। तो हमने ठंडाई भी बनानी है, अभी उसकी तैयारी भी नहीं हुई है। बाकी आंगन वागन साफ कर दिया है, अब यहीं पे बिछाएंगे। ये है मैनेजमेंट टीम खुशबू साई, दूसरी मैनेजमेंट टीम चांदनी साई। कहाँ भाग रही है, और ये किसी ने, इसने कुछ काम नहीं किया है। चाची ऊपर से फेंक रही है, अब हमें बिछाना है ये। तूने अपने को क्यों बांधा है, आंखों में क्या हुआ है इसके, वरना तो बिछाएगी नहीं ना। अभी हम बिछाने की तैयारी कर रहे हैं लेकिन होली आने वाली है तो मैं अपनी हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। ये चांदी बनाएगी ना, तो अच्छा ले बनाना। हाँ छोटी बच्ची नहीं, अरे बाल उलझ जा रहे ना, कलर उलझ जा रहा है फिर। मैं तो पहले से ही उलझे हैं। हेयर स्टाइल सब तो बढ़िया है चांदी, इतनी टाइट बनाना कि छलड़े के बाद ही खुले मेरे बाल। क्योंकि कल मैं बाल खुलने से रही, क्योंकि जब मैं बाल ऐसे मतलब बांट के ऐसे लटी बनाती हूँ ना, मैं बाल फिर 2-3 दिन के बाद ही खुलती हूँ। जा रही औरतों की होली में, पहले चांदी और मैं पार्टनर हुआ करते थे। जेंट्स की होली में जाते थे गुड़ ना कहाँ कहाँ गुड़ इकट्ठा करके लाते थे, अब तो लोग गुड़ भी इकट्ठा नहीं कर रहे हैं सच में। और गुड़ भी इतना कम बांटा, हाँ अब उसकी वैल्यू ही नहीं रहेगी ना। हम तो बिल्कुल कॉम्पिटिशन चलता था हमारा कि कौन सबसे ज़्यादा इकट्ठा करके लाएगा। और इवन हम दोस्तों से भी मांगते थे ना, सही अपना ही से कहा हाँ ताऊ हमारे लिए मांग दो, ये वो करते थे। हाँ और हम गाते भी थे, फिर सिर्फ चांदी और मैं रहते थे। पासी अंकल भिगा रहे हैं, किसी को आवाज़ नहीं करना है। हैप्पी होली भी गई, आई हुई है जेंट्स की होली। अरे यहाँ तो गुड़ आलू भी बट रहा है, फ्रूट्स बट रहे हैं। फाइनली गाइस खत्म हो चुकी है, अब दूसरे घर में जाएंगे होलियाँ। गाइस हम यहाँ आए थे औरतों की होली के खोज में, वो तो नहीं दिख रही हैं, सब गायब हैं। अब हम वापस घर ही चलते हैं क्योंकि कुछ ही देर में हमारे घर में भी होली आ जाएंगी। ये हैं औरतों की होलियाँ, सिर्फ 4-5 ही हैं और हल्ला भी नहीं हो रहा है। आपकी सहेलियाँ गए अभी आने वाले भी हैं, गाओ फिर गाओ।
फिर चीर आ चुका है। पहले हम चानियों में नीचे बैठे थे, फिर ये चानी ऊपर छत में लेकर आ गई मेरे को। मैं तो नीचे बैठने वाली थी। सबसे पहले चीर की पूजा करी जाएगी मेरे घर पे, तो मैं करूँगी अब। जो तुम भूल चुकी हो ना? भूली नहीं हूँ भाई, होली फंक्शन के दिन आया था कॉलेज में। उसके बाद छरड़ी के दिन ना होंगी। नहीं नहीं, घर के बीच में एक दिन होना है यार। ये रहे अपन के पापा। गेदारी मोहन गिर धारी से। हम गाते थे, मुझे कुछ कुछ लिरिक्स आते हैं होली के, वैसे कंप्लीट नहीं आते हैं। चांदी को आते हैं या अपने बूबू के साथ यही गाती थी। तेरे पास किताब होगी तेरी बूबू की है होली वाली, थी तो ना, फेंक दी होगी अब तो। होगी कहीं, संभाल के रखी होगी। गाइस अब यहाँ पे सामान डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, टॉफियाँ बिस्किट सब चीज़ें। ले, खुद तो आएगी नहीं लेने के लिए, शरमारी है। भी मांग लिया हम दोनों का काम। औरतों के लिए पता नहीं कहाँ गई, हम यही मर्दों की उठी में बैठ गए। चल भाई कितना खाएगी अभी तक खाने में है। अब हम जाए गाइस, हम जाते अपने घर को डस्टबिन। मैं इतनी ग्रीडी इंसान हूँ ना गाइस, मेरा पेट फुल हो चुका था, फिर मैंने दूसरा खाया। अभी खाया नहीं जा रहा है, पिया नहीं जा रहा है। अरे वहाँ पे गाइस ये लस्सी बनने के लिए मटेरियल रेडी हो रहा है। आलू के साथ, ये आलू के साथ वाली चटनी है, इसका लस्सी भी बन जाएगी। चश्मा पहन के नहीं घोटते, तेरे को काला दिख रहा होगा वो। कौन सा कलर है? ये जय के द्वारा बनाई गई है, अब टेस्ट बताएंगे जनता। के काम हो रहा है, अलग अलग चश्मे पहन के होली में जा रहा है, बस ना गा रहा है ना कुछ। तेरे को तो नहीं देखा हमने गाते हुए, बाइकों में घूम रहा बस। नहीं तो ये रहा, इसको वो करेंगे, लस्सी बनाएंगे इसका। गाइस कुछ ही देर में हमारे घर पे भी होली आ जाएगी, अब तैयारी शुरू होगी। मुझे लगा आलू पक गए हैं, लेकिन आलू पके नहीं है, मतलब उसको फ्राई करना है बस। मिर्च पाउडर चटनी को और खट्टा बनाने के लिए इस पे अब जमीर डाला जा रहा है। कहाँ से लेके आए हैं? तो अभी लस्सी की तैयारी कर रही है अम्मा, बनाओ डालो। ये रहा मट्ठा एक बाल्टी, अब इसमें दही भी डालो अम्मा। कौन सा रीन? और यहाँ पे बन रहे हैं आलू, आलू की तैयारी हो रही है। निया काटा जा रहा है, ये है आलू। अब बनेगी लस्सी ठंडा, क्योंकि फ्रिज में रखा था ना दही भी और मट्ठा भी, अभी ठंडा ठंडा कूल कूल बनेगा। यही होगी, ये भुना हुआ जीरा है ब्राउन वाला, और ये पुदीना, लहसुन, धनिया ये अम्मा ने रेडी किया है। अब बन रहा हरा हरा वाला, इसको पीने में और ही मजा आता है। ठंडाई ज्यादा ना नमक ज्यादा, इस पे भी मिर्च पाउडर। आलू बन चुके हैं, बस इसमें धनिया डालना बाकी है। अरे आज की शकल आजला कम है, बढ़िया है शकल। ये हमारे सीनियर हैं, नाम भूल गई, दीपू। तो धनिया भी पड़ चुका है, लेकिन धनिया थोड़ा सूखा था तो उतना नहीं दिख रहा है। हेलो हेलो हेलो, चिंकी को हमारे घर पे तो आज रात को ही आएगी। चल फिर सेल्फी लेते हैं हम, अब फैमिली फोटो शूट चल रहा है हमारा। हम लोग पहले ही खा लेते हैं आलू, चाची लोग भी आ चुके हैं, उनके लिए स्पेशल लाया गया है आलू। उसे खाओ ना, हाथ से खाओ अम्मा की तरह ना। अम्मा ठीक हो रही? चटनी नमक खट्टा टेस्ट बता, बढ़िया हो रहा है ना? चाची ने तो साड़ी भी पहन ली फोटो खींचाने के लिए। 2 मिनट में साड़ी पहन के आ गई। चा
फोन भी गया। इसे बोलते हैं ट्विस्ट। अब मनीषा चाची की बारी है। चाची भी चली गई थी चाचा को भगाने, लेकिन भिगाने, लेकिन नहीं भिगा पाई। चाचा अरे कहाँ गए? पानी दो तो कोई मुझे। नहीं नहीं पहुंच जाएगी। बिना चप्पल के दौड़ के आई है। मैंने कहा रुक जा, मुझे कैमरा ऑन करने दे। रुक जा, अभी भिगाती हूँ तेरे। जैसे मेरे को भिगा दिया गाइस। और ये आई नहीं अभी हमारे वहाँ। ये चल रहा है सिस्टम। शुरू करो जल्दी। अरे वहाँ भी आ चुके हैं हुलियार्स। ये तो सब सीधे आलू खाने पहुंच रहे वहाँ। यहाँ बैठने कोई नहीं आ रहा क्या? जो मेरा मुँह कितना गंदा हो गया है। ये चानी ने मुझे रोड में भगा दे रही है बार बार। अब पानी का मग लेके आ गई। अब मत करना यार हुलियार। ये गाइस शाम के 6 बज चुके हैं। अब जाके हमारे बखाई में होली आ रही है, वो भी पहले मंदिर में जाएगी। ये देखो ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स आ गए हैं। हेलो गाइस, ये मेरे सब्सक्राइबर्स आ चुके हैं। बिग फैन, बिग फैन बोलो, बिग फैन बोलो। बारी आ गई है, चलो भी लोग जाएंगे हमारे खाऊ में। इस हमारे घर पे चीर आ चुका है। हेलो धीरू, अब हम इसकी पूजा करेंगे। तो हम लोग चीर की पूजा करेंगे, अगरबत्ती जलाएंगे, फिर इस पे पानी। अभी कितनी ज्यादा भीड़ हो गई है। गाइस शाम को ज्यादा ही हो गई है। तो ये हमारे घर से जा रहा है सौंप सुपारी अबीर सब कुछ। तो जो आलू का बंटवारा भी हो रहा है। हो गई है, कुछ क्लियर नहीं आ रहा है वीडियो में, पता नहीं कितना क्लियर आपको दिख सकता है। ये अंधेरा इतना लेट मांडिया किलो भी मांड रहे हैं। क्या बांट रहे हैं? सिगरेट 2-3 मेरे को देना ठीक है। आ चुके हैं, अब ठंडाई बताने को मिलेगी। पूरा ब्लर मारने लग गया कैमरा। सब आलू पानी पी रहे हैं ठंडाई। कितने मगन हैं होली गाने में लोग। गाइस मैंने तो ले लिया अपना आलू, तो खा लेती हूँ मैं तो, खाने में नंबर वन हूँ। वन मोर। अब ये लोग जा रहे हैं मंदिर में, खत्म। अब मिल रहा है हमें लस्सी फस्सी। ये हम सब आए हैं, ये खाते हैं, ये कुछ भी नहीं कर रही, खाने में लगी है कब से। गाइस आपको पता ना मैं कितना खाती हूँ।
अभी तक खत्म नहीं हुआ। ये हमारी मैनेजमेंट टीम है जो अभी सफाई कर रही है। सौम्या आई है ममता से ड्राइंग क्लास लेने के लिए। दिखाते हो सौम्या की ड्राइंग? मैं दिखाती हूँ तेरी ड्राइंग। दिखा इसको, इसको खींचो तो। ये ममता ने बनाई है आँख, ये सौम्या ने अच्छी बनाई है। तू क्या बना रही है? इसको कुछ नहीं आता है दीदी, इसकी खींचो तो, ये बड़ी अच्छी लगी। ये किसकी बनाई है ममता ने? जिसको बनाया होगा गाइस कमेंट करके बताना। पिंकी दी हाँ, अपना ममता दी ना उसकी फोटो बनाएगी एलविस यादव की। एलविस यादव की तुम किस काम के हो? नल्लो ममता ने ये राम श्री राम भगवान जी को भी बनाया है, अच्छा लग रही ना। ओके गाइस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि आज की होली आपको पसंद आई होगी। सबके गांव में ऐसी होती है, हमारे गांव में अलग होती है, ये भी नहीं पता, लेकिन सबका सेम होता है पहाड़ों में। ओके मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।